शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? 2A हमारी एक्सरसाइज है। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि धन वर्गमूल निकालना है। ठीक है, धन वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल किसका निकालना है? 84.42 41। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब आप दशमलव देख के डर मत जाइएगा। पहले उसमें क्या करते थे? पीछे से जोड़ा बनाते थे। इसमें क्या करेंगे? दशमलव के इधर से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जो है वो बनेगा। ठीक है, तो हम आइए इसको लगाते हैं। भाग विधि से लगाना है तो भाग विधि से ही करेंगे। 84.8241 ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा? 9 ने 81 होता है तो 9 ने 81 कर दिया, तो कितना बच गया? 3 बच गया। तो 9 उतार दिया, इसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दिया, तो 8 और 2 उतार दिया, 8 और 2 उतार दिया। अब हमने यहाँ पे कितना हुआ? 9 9 कितना हुआ? 9 9 हमारा 18 हुआ। अब कितनी बार में जाएगा? अब कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाके देखते हैं। ठीक है, तो 2 बार में 2 2 4 2 8 16 और 2 1 2 1 3 तो कितना बच गया? 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 6 गया 1। अब हम कितना उतारेंगे? 41 उतारेंगे। ठीक है, 41 उतारेंगे। अब हम ये जोड़ देंगे तो 184 तो ये हो गया। अब कितनी बार में जाएगा? एक बार में चला जाएगा क्योंकि वही संख्या लिखी है। ठीक है, तो 1 1 1 4 1 8 1 1। ठीक है, तो हमने 2 किया है और 1 किया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9.21 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने धन में कहा है तो हम प्लस ही लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा पहले का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? 150.0625 ये है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो आइए लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो ये है हमारा 150 और 0625। ये हमारा जोड़ा बना, ये हमारा जोड़ा बना, ये हमारा जोड़ा बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1 1 1 करेंगे। ठीक है, तो एक बार गया, ये हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 50 उतार लिया। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा? अब 2 बार में देखते हैं। ठीक है, 2 बार में ले जाके देखते हैं। 2 2 4 और 2 2 4 तो हमारा ये कितना हो गया? ये 4 लिखा है, 9 नहीं है, तो हमारा ये कितना हो गया? 6 बचा। अब 0 6 जो है वो हमने उतार लिया, तो ये हमारा कितना हो गया? 2 4 और 2। ठीक है, 24 हो गया। अब हम कितनी बार में ले जाएं इसको? हम कितनी बार में ले जा सकते हैं? 2 बार में ले जा सकते हैं। 2 2 4 2 2 8 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 हमारा कितना बचा? 2 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 5 में से 4 गया 1। अब हम क्या उतारेंगे? 25 उतारेंगे। क्या उतारेंगे? 25 उतारेंगे। अब हमारा ये कितना हो गया? 4 4 और 2। अब हम किससे ले जाएं? अब हम 5 से ले जाके देखते हैं। ठीक है, 5 से ले जाके देखते हैं। तो 25 5 4 20 और 2 22 और 5 4 20 2 22
पाँच दूनी दस, ठीक है, पाँच दूनी दस और दो बारह, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया है, पाँच हम पच्चीस और पाँच को बीस, दो बाईस, पाँच को बीस, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या था, ये छः में से दो गया चार, और दो दूनी चार, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, दो दूनी चार ही होगा, ठीक है, दो दूनी चार, दो चक्कू आठ, दो दूनी चार, तो तभी हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, मिस्टेक जो थी वो पकड़ में आ गई, तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो मतलब हमने एक एक से किया था, फिर दो से किया था, फिर हमारा दशमलव था, फिर दशमलव के बाद हमने दो से किया, ठीक है, फिर हमने किससे किया, पाँच से किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, धनात्मक आंसर देना है, तो 12.25 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं, तीसरा वाला। कितने क्वेश्चन है टोटल, पांच क्वेश्चन है, ठीक है, पहले में पांच क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 4.7725, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन बना ली, बना ली लाइन, अब हम क्या करते हैं, 477.4225, ये है, इधर से जोड़ा बनाया, इधर से जोड़ा बनाया, इधर से जोड़ा बनाया, तो हमारा कितनी बार में जाएगा, दो दूनी चार, कट गया, 77 उतारा, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, चार हो गया, अब कितनी बार में जाएगा, अब हम कितनी बार में ले जाएं इसको, एक बार में ले जाएं, ठीक है, एक बार में ले जाएंगे, ठीक, तो हमारा 41 आ जाएगा, ठीक है, दो लिख लेते हैं, एक लिख देते हैं, फिर हमारा दशमलव लगाना पड़ेगा ना ये उतारने के लिए, तो चार, सात में से एक गया छः, और सात में से चार गया तीन, और 42 उतारा, हमारा ये कितना हो गया, 42 हो गया, अब हम कितनी बार में ले जाएं, आठ बार में ले जाएं इसको, ठीक है, आठ बार में ले जाते हैं, 68 64, ठीक है, और छः हमारे हासिल, आठ दूनी 16 16 16 और छः 17 18 19 20 21 22 22 हो गया, दो हमारे हासिल लगे, और 8 को 32 33 34, तो ये हमारा हो गया। अब 12 में से 4 गए 8, और 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, अब हम क्या उतारेंगे, 25 उतारेंगे, ये हमारा कितना हो गया, 8 8 16 और 3 4, ये हो गया। अब हम किससे करें, ये हमने 8 से किया था, अब हम किससे करें, 5 से करते हैं, ठीक है, 5 से करके देखते हैं, 5 5 25 5 6 30, 2 32 और 5 3 15 16 17 18, 5 6 20 और 21, इस तरीके से हमारा पूरा जो है वो कट गया है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिख जाएगा, 5 लिख जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 21.85, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 21.85 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, चौथा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं, चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो है 225
25 अंडर रूट में 225 6004, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 225.6004 इधर से कुछ जोड़ा बनाया, इधर से जोड़ा बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एकम एक, तो कितना बचा, एक। एक यहाँ पे उतार दो, ये जोड़ के हमारा दो हो गया। अब हम दो और पाँच उतारेंगे, अब हमारे कितनी बार में जाएगा, पाँच बार में करके देखते हैं। ठीक है, पाँच बार में करके देखें, पचम 25, पाँच दूनी 10, 2 12। ठीक है, ये हमारा पूरा कट गया, ये हमारा 30 आ गया है। ठीक है, अब हमने 60 उतारा, और 60 तो जाएगा नहीं, पाँच उतार लेते हैं, फिर 0.60 उतारा, जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। फिर जब जीरो हमने लगा दिया, जैसे हमारा भाग में होता है, जब नहीं जाता है एक अंक उतारने के बाद, तो हम जीरो लगाते हैं, दूसरा अंक उतारते हैं, ऐसे ही हम दूसरा जोड़ा जो है वो उतार देंगे। ठीक है, अब कितनी बार में चला जाएगा, दो बार में चला जाएगा हमारा। ठीक है, 2 2 4, 2 0 × 0 और 2 3 6। ठीक है, तो इधर भी हमारा जीरो बढ़ेगा, इधर भी हमारा जीरो बढ़ेगा, हमने इधर जीरो बढ़ाया तो इधर भी हमारा जीरो बढ़ेगा। तो हमारा अब क्या करेंगे, दो से करेंगे, 2 2 4, 2 0 × 0, 2 3 6, इस तरीके से ये हमारा कट गया, और ये हमारा कितना आ जाएगा, दो। ठीक है, ये हमारा दो आ जाएगा, तो हमारा अब आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15.02 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, उम्मीद है आपको क्लास जो है वो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है 2 + 5/4, ये आपको सॉल्व करके बताना है ये कितना होगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। और क्या करना है, आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी सर्च करते हैं, तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं, तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोस का, तीसरा है प्लेलिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं, तो हम जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया, तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा एक की, कक्षा दो की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही, तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे, कहाँ है एरो, एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये लिख आ जाएगा View 30 More। तो View 30 More पे आप टच करेंगे, तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, तब आपको हमारे तीन और चैनल दिखेंगे, पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है, बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है, जिसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है।
आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट जो ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जॉर्जस क्राफ्ट, इसमें क्या है, घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, वो हमारे वीडियोस हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, सब्बा खैर, गुड बाय बाय।